हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दिस इज अ कंप्यूटर सीरीज फॉर द JEE एग्जाम जो कि अभी मार्च में होने वाला। ऑलरेडी 3 वीडियोस इससे रिलेटेड हमने अपने चैनल पे जो है अपलोड कर दी हैं। आप जो है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, उन 3 वीडियोज़ को जो है देख सकते हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो आज हम जो है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें जो है लीड अकेडमी रैन हैंडल पे जो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो है 1959 से लेकर 1965 तक। ये है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तो जो सबसे मेजर चेंज है वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, वो था ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड दैट वर चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर एंड मोर कॉम्पैक्ट इन साइज एंड मोर रिलायबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मशीन्स। कहने का मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, फर्स्ट में यूज कर रहे थे क्या, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन में। तो ये ट्रांजिस्टर हैं वो एक तो लेस पावर यानी कि कम एनर्जी यूज करते हैं, छोटे भी हैं और साथ ही साथ वो वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम है और साथ ही साथ वो ज्यादा फास्ट भी है एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड पॉइंट, जो ई जनरेशन में जो प्राइमरी मेमोरी थी वो यूज कर रहे थे मैग्नेटिक कोर्स का, यानी कि मैग्नेटिक कोर्स को यूज कर रहे थे एज द प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क को यूज कर रहे थे एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आपको जो 3 बातें याद रखनी है, सबसे पहले कि ट्रांजिस्टर्स का यूज कर रहे थे, दूसरा कि जो मैग्नेटिक कोर है उसको यूज करते हैं एज अ प्राइमरी मेमोरी, तीसरा मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क को यूज करते थे एज अ सेकेंडरी मेमोरी। तो हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें, सबसे पहली जो एडवांटेज वो ही थी कि यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर्स का। दूसरा ये कि ज्यादा रिलायबल थे, ज्यादा चीप थे एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड, स्मॉलर इन साइज, यानी इसका जो साइज था, पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे वो बड़ी बड़ी दीवार जो होती थी उनके बराबर जो है उनका कंप्यूटर का साइज होता, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनका साइज भी बहुत ज्यादा था वैक्यूम ट्यूब्स का। लेकिन ट्रांजिस्टर आने की वजह से जो साइज है वो क्या हो गया, साइज जो है छोटा हो गया। नेक्स्ट जो है कि जनरेटेड लेस हीट, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था तो वहां पे जो है हीट काफी ज्यादा जनरेट होती थी, इसलिए वहां पे एनर्जी भी ज्यादा लगती थी। लेकिन यहाँ पे जो है लेस हीट जो है जनरेट होती थी, इसलिए लेस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कम एनर्जी का यूज होता था। अगला पॉइंट है कि ये जो है फास्ट है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक नेक्स्ट जनरेशन थी फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, जिसमें कुछ जो है चेंजेस किए गए थे तो ऑब्वियसली ये उससे फास्टर ही थे। एंड जो मैंने पॉइंट बता दिया कि चीपर थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले, लेकिन फिर भी कॉस्टली थे, यानी कि पहले जनरेशन के मुकाबले तो भले ही सस्ते थे लेकिन फिर भी थोड़े कॉस्टली थे। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो डिसएडवांटेज वही कि इसमें भी जो है कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का तो यूज नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी कूलिंग सिस्टम का यूज यहाँ पे भी होता था। दूसरा कि यहाँ पे भी जो कांस्टेंट जो है मेंटेनेंस जो है इसके लिए जरूरत होती थी कि इसको बार बार जो है इसको देखभाल हो, इसकी मेंटेनेंस होती रहे ताकि सभी चीजें जो ठीक से वर्क करती रहे एक कंप्यूटर में। तो ये थी इसकी 2 डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर्स थे जो कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंक्लूड होते हैं, यानी कि सेकंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स आते थे जो मेजर कंप्यूटर थे उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला आपको नाम याद रखना है हनीबेल 400। जो हनीबेल 400 है वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नाम है। दूसरा कि जो IBM 7094 जो है ये है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरा है CDC 1604 यानी कि 1604। चौथा CDC 3600 यानी कि 3600, ये जो है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नाम है। और अगला जो है वो है UNIVAC 1108 यानी कि UNIVAC 1108, ये भी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नाम है। जो सिर्फ UNIVAC था वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नाम। ये कुछ जो है मेजर कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो आपको जो सबसे पहले क्या याद रखना है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज अ
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज हुए थे। दूसरे एडवांटेज आपको पता चल गई कि ये स्मॉलर इन साइज, लेस हीट जनरेट करते थे, चीपर थे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो डिसएडवांटेज दो ही थी कि कूलिंग सिस्टम का यूज करना पड़ता था और साथ ही साथ जो कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। और ये है इसके कुछ कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमसीक्यूज, जो इससे रिलेटेड थोड़े एमसीक्यूज से कि जो पेपर में आपको आ सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है विच कंप्यूटर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, कौन सा कंपोनेंट जो कि हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज करते थे। तो आपको इसमें से आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। दूसरा कि विच कंपोनेंट यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी को क्या यूज किया था हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एज अ प्राइमरी मेमोरी। तो वो हमने यूज की थी मैग्नेटिक कोर्स, मैग्नेटिक टेप नहीं, मैग्नेटिक टेप थी वो थी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, लेकिन मैग्नेटिक कोर्स थी वो प्राइमरी मेमोरी थी। थर्ड जो है कि विच कंपोनेंट यूज्ड एज अ सेकेंडरी, अब सेकेंडरी मेमोरी इसमें से क्या यूज की थी, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक टेप, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। तो जो दूसरा था वो था मैग्नेटिक डिस्क को हम यूज करते थे एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। लास्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द कंप्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इसमें से कौन सा है। तो मैंने अभी जो आपको बताया IBM 7094 या CDC 1604 या फिर दोनों, तो IBM 7094 और CDC 1604 ये दोनों जो है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम है, इसलिए आंसर होगा बोथ द अबव। तो ये कुछ जो आज हमने पढ़ा, इसमें जो मेजर मेजर चीजें आपको हर एक पॉइंट जो है इसमें याद रखना है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है इसमें सब कुछ समझ आ गया होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जो भी पहले वाले वीडियो वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरीके से और वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।